नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मौसी के यहां शादी में आए बालक की डूबने से मौत। शादी समारोह वाले घर में बारात आने से पहले छाया मातम। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के मानपुरा गांव में गुरुवार सुबह शादी समारोह में बारात आने से पहले ही परिवार में मातम छा गया, जहां पर मौसी की शादी में आए 7 वर्षीय बालक की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बालक अपने बड़े भाई के साथ गांव के पास में ही बनी खान पर नहाने गया हुआ था। इसी दौरान नहाते समय बालक गहरे पानी में चला गया और डूबने से बालक की मौत हो गई। एम्बुलेंस कर्मी विजय सिंह मीणा ने बताया कि मृतक 7 वर्षीय बालक नितेश मीणा पुत्र लखन मीणा कसौटी खेड़ा बाड़ी गांव का निवासी था, जो कि अपने परिवार के साथ मानपुरा गांव में मौसी की शादी में आया हुआ था। बालक के डूबने की सूचना परिवार वालों को लगी तो ग्रामीणों की सहायता से मशक्कत के बाद बालक को पानी से बाहर निकाला। परिजन बालक को सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से मृतक बालक के परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना पर सरमथुरा थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंच बालक के शव का डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। दोनों बच्चे नहाने चले गए सर खान में और वहाँ पर ये डूब गया। जब घर सूचना मिली तो हम वहाँ गए, वहाँ से निकाला और निकालने के बाद हम तुरंत हॉस्पिटल लाए तो वहाँ मृत घोषित। पांच सालों से नहीं हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले, शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन, तबादलों से रोक हटाने की मांग। शिक्षक तबादलों से प्रतिबंध हटाकर एक पारदर्शी नीति के तहत इच्छुक शिक्षकों के स्थानांतरण प्रारंभ करने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मंगल सिंह कुशवाहा एवं महामंत्री विवेक शर्मा की अगुवाई में शिक्षक शिक्षिकाओं ने जिला कलेक्टर धौलपुर पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा, जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, जिला महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा, जिला पर्यवेक्षक देवेंद्र त्यागी मौजूद रहे। प्रांतीय महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि आंदोलन के द्वितीय चरण में 10 मई को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर स्थानांतरण से रोक हटाने की मांग की जाएगी। सरकार फिर भी नहीं मानी तो 17 मई को प्रदेश के शिक्षक राजधानी में धरना प्रदर्शन कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण प्रारंभ करने की मांग करेंगे। इस मौके पर मनीषा शर्मा, नसीम बानो, पूजा चतुर्वेदी, शिवानी उपाध्याय, प्रियंका शर्मा ने कहा कि महिलाओं पर नौकरी के साथ परिवार संचालन की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अपने जिले से दूर कई सालों से दूसरे जिलों में नौकरी करने से घर गृहस्थी प्रभावित होने लगी है। महिला शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ओपीएस लागू करने के ऐतिहासिक फैसले की तरह ही शिक्षक स्थानांतरण में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त कर पारदर्शी नीति के तहत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण प्रारंभ करने का आग्रह किया है। हम लोग यहाँ पे पिछले 6 साल से सर्विस कर रहे हैं और सभी ग्रेड के तबादले होते हैं, केवल तृतीय श्रेणी के ही तबादले नहीं होते टीचर्स के, जबकि हम भी हमारे घर से यहाँ दूर है, अपने परिवार को छोड़ के हमारे पास डबल जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से जाते हैं तो हमें आने जाने में बहुत परेशानी होती है। सरकार की स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि ठीक है कि 5 साल तुमने जॉब कर ली, 5 साल अगले जो लोग आ रहे हैं, अगले टीचर्स आ रहे हैं, वो वहाँ रहेंगे, उसके बाद वो वहाँ 5 साल के लिए जॉब करेंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल वही टीचर लगातार लगे हैं और अपनी पारिवारिक को मतलब सभी समस्याओं से जूझते रहे। सरकार को सभी टीचर्स की समस्याओं को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए और उनके परिवार और उनकी घर जिम्मेदारियों को समझकर उनका भी समय पर तबादला कर देना चाहिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है। मात्र 35 मिनट में बुजुर्ग व्यक्ति श्याम लाल से हुआ श्याम बाबू। 35 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मिली खुशी से भावुक हुआ श्याम बाबू। जीवन के इस पड़ाव में आकर उस व्यक्ति को इतनी खुशी मिली जितनी शायद अपने युवा काल में नहीं मिली हो। वो खुशी किसी धन दौलत से नहीं मिली, बल्कि शब्दों के उलट फेर से मिली।
शायद उस व्यक्ति के कान नाम के उन शब्दों को सुनने के लिए अब तक तरसे हों। जी हाँ, ऐसा ही कुछ राहत शिविरों में देखने को मिल रहा है। सैपव क्षेत्र के टहरी में लगे प्रशासन गांव के संग महंगाई राहत शिविर में एक बुजुर्ग की खुशी को देखकर हर कोई अचंभित था। हुआ यूं कि राजपुर निवासी श्याम बाबू जैसे ही राहत शिविर में पहुंचा तो जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने उसका 35 वर्ष पुराना दर्द जाना और तुरंत उसकी समस्या का निराकरण करने राजस्व विभाग को निर्देश दिए। बात सिर्फ इतनी थी कि 35 वर्षों से बुजुर्ग अपना नाम श्याम लाल से श्याम बाबू करना चाह रहा था। इसके लिए कई बार कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। 35 साल से रिकॉर्ड में दर्ज उसी नाम को शुद्ध करवाने के लिए बुजुर्ग ने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें राजस्व विभाग ने कलेक्टर के निर्देशन में तत्परता दिखाते हुए मात्र 35 दिन के अंदर उसका नाम अशुद्ध से शुद्ध कर दिया। हल्का पटवारी रामनिवास ने बताया कि श्याम बाबू को नाम शुद्धि का आदेश मिलने पर वह बहुत ही खुश हुआ एवं भावुक होते हुए उसने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसमें गिरदावर रामवीर गौड़, पटवारी श्रीकांता एवं सुशील कुमार ने सहयोग किया। कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, सेक्रेटरी साहब, सब ने मेरे नाम श्याम बाबू, पहले रामकंत था, अब 35 साल से अब श्याम बाबू नाम रखा है। आपके भरोसे मंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारे डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। अब 5 मिनट में पाए लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉइड टीवी भी आसान किस्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध है। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, थौलपुर, प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। विधायक रोहित बोहरा ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संभावित धौलपुर आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि वे राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के इंद्रावली मोड़ मरेना में आगामी 7 मई रविवार को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा द्वारा मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया गया। विधायक रोहित बोहरा ने सभी अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने और समारोह के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो इस पर ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान बोहरा ने हेलीपैड, सभा स्थल, पार्किंग आदि का भी निरीक्षण किया। विधायक बोहरा ने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सुखविंदर रंधावा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीना, ऊर्जा मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, जल संसाधन मंत्री महेश जोशी, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, खेल मंत्री अशोक चांदना, सिंचाई मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित कई प्रदेश पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बोहरा द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर ब्लॉक महासचिव जैकी बंसल, संगठन महामंत्री संतोष सिंघल, ब्लॉक प्रभारी मुनेश सिंघल आदि कांग्रेस कार्यकर्ता एवं अधिकारी मौजूद रहे। महंगाई राहत पंजीकरण में धौलपुर का दूसरे स्थान पर दबदबा। राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में धौलपुर के आमजन विशेष उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं
और इसी की वानगी है कि पंजीकरण के मामले में धौलपुर जिला राजस्थान में दूसरे स्थान पर आकर अपनी कर्मठता की पताका लहरा रहा है। जिले में गुरुवार तक 28% से अधिक परिवार महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण करा चुके हैं, जो कि सीकर के पश्चात पूरे राज्य में सबसे अधिक है। महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत अभी तक जिले में 96,468 लाभार्थियों ने पंजीयन करवाया है। जिले में 40 स्थायी राहत कैंपों के साथ साथ ग्राम पंचायतों में 6 एवं नगरीय वार्डों में 6 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कंटेनर की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, घर जाने के लिए टेम्पो का कर रहा था इंतजार। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में डाइट प्रशिक्षण केंद्र के बाहर टेम्पो का इंतजार कर रहे एक बुजुर्ग को कंटेनर ने टक्कर मार दी। कंटेनर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर कंटेनर लेकर मौके से भाग गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी की और कंटेनर जब्त कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बुजुर्ग को लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बुधवार देर शाम सबको मॉर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि 62 वर्षीय पूरन सिंह भूरा सुंदर का पुरा बुधवार शाम करीब 6:30 बजे घर जाने के लिए टेम्पो के इंतजार में डाइट प्रशिक्षण केंद्र के बाहर सड़क किनारे खड़ा था। इस दौरान धौलपुर से आगरा की तरफ जा रहे कंटेनर ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। घटना में मृतक के बेटे राम बाबू की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया। तारिक पेशी पर आए युवक की खून की उल्टियां होने से मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में स्थित बाल कोर्ट में गुरुवार को पेशी पर आए एक युवक ने दम तोड़ दिया। कोर्ट के बाहर सड़क पर युवक के खून की उल्टी होने के बाद मौके से गुजर रहे लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस युवक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक किशन उम्र 27 पुत्र सामंता निवासी कासोटी खेड़ा बाड़ी का है। युवक किशन अपने गांव से बालकोट में तारिक पेशी पर आया हुआ था। तारिक पेशी के दौरान युवक कोर्ट के बाहर घूम रहा था, जहां अचानक उसे बीच सड़क पर खून की उल्टियां होने लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे AU फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेने आ गया है टॉपर गुरुकुल। धौलपुर में पहली बार डिजिटल पैनल पर अध्ययन। एरो एजुकेशन के पुराने ऑनर जितेंद्र घुरैया सर द्वारा जयपुर में 2 साल पढ़ाने के बाद जयपुर की पद्धति को धौलपुर में लागू करने लेकर आए हैं। जयपुर पैटर्न पर आधारित एकमात्र धौलपुर की संस्थान टॉपर्स गुरुकुल, जिसमें कोचिंग का खुद का ऐप रहेगा, जिसमें आप रोजाना टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री वीडियो देख सकते हैं। यहां सिर्फ अनुभवी अध्यापकों द्वारा ही पढ़ाया जाता है। पता SP निवास व गुलाब बाग के बीच में, जीटी रोड, धौलपुर। राहत शिविरों के माध्यम से लोग योजनाओं का उठाएं लाभ, विधायक मलिंगा। राहत शिविर का निरीक्षण कर लोगों से की अपील। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर का गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर का फीडबैक भी लिया। लोगों ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिविरों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस दौरान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि पंजीकरण कराने के लिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, सावधानी पूर्वक सही जानकारी देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। वहीं लोगों द्वारा योजनाओं के गारंटी कार्ड पाकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और राज्य सरकार का धन्यवाद
ज्ञापित किया। इस मौके पर विधायक बाड़ी नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, कनिष्ठ अभियंता योगेंद्र सिंह, मुश्ताक अहमद, वरिष्ठ पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, जसवंत सिंह, प्रवीण सिंगल, रोहित मंगल, विनोद शर्मा, हरीश भंडारी, डीईओ सुमित तिवारी, डीईओ तपेश विधुड़ी, धर्मेंद्र सिवहरे आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने किया महंगाई राहत शिविरों का निरीक्षण। राज्य सरकार द्वारा आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल लगातार महंगाई राहत शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। गुरुवार को जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति सैपव की ग्राम पंचायत टहरी स्थित महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने कैंप के सफल संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कैंप संचालकों को यह निर्देश दिए कि लाभार्थियों को टोकन के अनुसार उनकी बारी आने पर पंजीकरण हेतु बुलावे एवं कैंपस पर छाया एवं पानी के समुचित प्रबंध किए जावे। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसके समाधान हेतु जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए। कृष्ण कुमार ने खराब हैंडपंप की समस्या बताई तो उन्होंने उसे दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों ने जब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टहरी में जीव विज्ञान का अध्यापक न होने का मामला बताया तो उन्होंने विद्यालय में शिक्षक नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि महंगाई राहत कैंप में नागरिकों को कोई परेशानी ना हो एवं उनका त्वरित पंजीकरण होकर समुचित लाभ मिल सके। प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक्सप्रेस क्रिकेट एकेडमी का हुआ शुभारंभ। चंबल प्रेस क्लब के संरक्षक एवं वरिष्ठ पत्रकार चौधरी तेजवीर सिंह ने खिलाड़ी की प्रतिभाओं को निखारने के लिए उन्हें बेहतरीन सुविधाओं के साथ साथ उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। चौधरी तेजवीर सिंह एक्सप्रेस क्लब द्वारा मचकुंड रोड धौलपुर पर एक्सप्रेस क्रिकेट एकेडमी के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि खेल के क्षेत्र में एक्सप्रेस क्लब के प्रयासों की बदौलत जिले के अन्य खिलाड़ियों ने अपने दमखम का परिचय देते हुए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपना परचम लहराया है। विशिष्ट अतिथि मंजरी फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि हम खिलाड़ियों से बेहतर खेल प्रदर्शन की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हमें उनकी मूलभूत सुविधाओं एवं उन्हें प्रोत्साहित करने का भी ध्यान रखना होगा, तभी हम अपने देश को अच्छे खिलाड़ी दे सकेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चंबल प्रेस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया ने कहा कि क्रिकेट के क्षेत्र में एक्सप्रेस क्लब की ओर से विगत वर्षों में क्रिकेट के बड़े आयोजनों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बुलाकर जहां एक ओर जिले के नवोदित खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया है, वहीं उन्हें समय समय पर खेल के प्रति काम आने के टिप्स भी दिलाए गए। इस अवसर पर एक्सप्रेस क्रिकेट एकेडमी का अतिथियों द्वारा फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी आगंतुकों का आरसीए के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर संतोष ट्रॉफी खेले पूर्व खिलाड़ी चंद्रमोहन त्रिवेदी, पूर्व क्रिकेटर भावेंद्र लाल संतानिया, रवि मोहन त्रिवेदी, कमलजीत सिंह, राहुल राणा, गौतम गोस्वामी आदि खेल प्रेमी उपस्थित रहे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाना। भुवनेश व्यास, विधि छात्रों की जागरूकता को लेकर हुई बैठक। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के छात्र संघ कार्यालय में विधि के छात्रों की बैठक लॉ अवेयरनेस सोसाइटी धौलपुर की जिला अध्यक्ष दिव्या सिंह बघेला के नेतृत्व में हुई, जिसमें लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भुवनेश व्यास ने कहा कि लोगों को जागरूक बनाना शिक्षा और साक्षरता का एक मुख्य उद्देश्य है। साक्षरता एक मानव अधिकार सशक्तिकरण का मार्ग और व्यक्ति तथा समाज के विकास का माध्यम है। शिक्षा विहीन व्यक्ति सींग और पूंछ रहित पशु के समान होता है। उन्होंने कहा कि जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही लो अवेयरनेस सोसाइटी संस्था की शुरुआत की, जिससे आम नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में सक्षम बना पाए। सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की, अनेकों योजनाएं बनाती है आम नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए, परंतु जागरूकता की कमी के कारण बहुत ही कम लोग उनका फायदा ले पाते हैं। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने समस्त छात्रों को
आरटीआई अधिकार के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि आरटीआई अधिकार से 50% भ्रष्टाचार कम हो सकता है। हमें इस अधिकार के प्रति लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना चाहिए। इस मौके पर सौरव, राजीव, संध्या, सोनम, पूजा, सूरज, राजकुमार, मयंक आदि मौजूद रहे। अरे भाई, अब ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ और एक नया फोन हमारे शहर धौलपुर के सबसे विश्वसनीय मोबाइल स्टोर अनुराग मोबाइल सेंटर से ले ले, जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0% डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो, 0% डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई की सुविधा? हाँ तो देख इस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर। आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहेगा। मुंशी पन्ना शिकंजी स्वाद इसका वाहवा जी, ओ स्वाद इसका वाहवा जी। मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे यार, हो दिल में रहे यार। धौलपुर जिले में मुंशी पन्ना मसाले खरीदने के लिए संपर्क करें दिव्यांशी ट्रेडर्स धौलपुर, मोबाइल नंबर 8890239123 और यशवी एंटरप्राइजेज मनिया, मोबाइल नंबर 9785210399। पत्नी से मिलने आए पति की ससुराल पक्ष ने कर दी धुनाई, जीजा साला गिरफ्तार। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पत्नी से मिलने आए पति के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी। दो पक्षों में मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को बढ़ता देख महिला के जीजा और साले को गिरफ्तार कर दिया। थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रहने वाली युवती की शादी साल 2019 में विमल कुमार पुत्र त्रिमल सिंह एटा उत्तर प्रदेश के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद उनमें विवाद हो गया था और दोनों के बीच कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में केस के बाद युवती का पति विमल अपनी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल आ गया। इस दौरान पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान जीजा और साले के बीच मारपीट हो गई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जीजा विमल कुमार और साले देवेंद्र पुत्र संतोष कुमार को लेकर थाने आ गई। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों को समझाया गया है और मारपीट के मामले में जीजा साला को गिरफ्तार किया गया है। मनुष्य को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, कथावाचक चतुर्वेदी। विशाल भंडारे के साथ हुआ भागवत कथा का समापन। धौलपुर जिले के गांव गडराई में चल रही भागवत कथा का गुरुवार को समापन हो गया। कथा समापन के अवसर पर हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली और फिर प्रसादी ग्रहण कर पुण्य कमाया। कथा व्यास आशीष चतुर्वेदी ने 7 दिन तक चली कथा में भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। उन्होंने लोगों से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है, व्यक्ति में धार्मिक आस्था जागृत होती है। कथावाचक ने भंडारे के प्रसाद का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रसाद 3 अक्षर से मिलकर बना है। पहला प्र का अर्थ प्रभु, दूसरा सा का अर्थ साक्षात व तीसरा द का अर्थ होता है दर्शन, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। कथा समापन के दिन गुरुवार को विधि विधान से पूजा करवाई। इसमें यजमान गायत्री देवी ने अपने परिवार के साथ आहुति डाली। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के लोगों ने प्रसादी वितरण की व्यवस्था संभाली। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल फर्स्ट ट्रैक।
धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।